वैसे तो एक से बढ़कर एक फिल्म आई है इंडियन साउथ सिनेमा में, लेकिन दोस्तों ये फिल्म चूंकि दोस्तों फिर से ब्लॉकबस्टर फिल्म का चर्चा करूंगा, यानी कि दोस्तों ये जब फिल्म आई थी तेलुगु लैंग्वेज में ये फिल्म आई थी और दोस्तों फाइनल रूप से हिंदी लैंग्वेजों में फिल्म अवेलेबल हो चुकी है। यानी कि दोस्तों रवि तेजा फैंस के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि दोस्तों रवि तेजा जब फिल्म आती है, उनकी फिल्म जब आती है बॉक्स ऑफिस पर, एक अलग लेवल एक अलग कलेक्शन करती है, उनकी फिल्म सिस्टम फाड़ देने वाली काम करती है रवि तेजा की फिल्म। तो दोस्तों फिल्म का टाइटल क्या है, फिल्म का क्या है पूरा मामला, हर कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल समोसा क्रिटिक्स, और भाई का नाम चैनल, भाई का नाम है आलोक, और भाई आपको देगा लेटेस्ट अपडेट, ऑफिशियल न्यूज, वायरल न्यूज फिल्म रवि तेजा की फिल्म से। यानी कि दोस्तों फिल्म जो कि दोस्तों तेलुगु लैंग्वेजों में फिल्म रिलीज हुआ था, फिल्म का टाइटल था दादागिरी। जी हाँ दोस्तों, दादागिरी एक ऐसी फिल्म थी जो कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक अलग लेवल की कलेक्शन किया था तेलुगु लैंग्वेजों में। दोस्तों तेलुगु वाला फिल्म जब अब हिंदी में अवेलेबल होती है तो दोस्तों फैंस जो होते हैं ना एक्साइटमेंट हो जाते हैं फिल्म को सपोर्ट करने के लिए, फिल्म को देखने के लिए फाइनल रूप से। तो दोस्तों दादागिरी एक ऐसी फिल्म थी जो कि दोस्तों अच्छा खासा कलेक्शन किया था, सुपर डुपर हिट हुई थी रवि तेजा और इलियानी डिक्रस की फिल्म, जो कि दोस्तों अब हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है फिल्म। फिल्म आप अब देख सकते हैं हिंदी में, जो कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस के लिए गुड न्यूज है, फैंस के लिए गुड न्यूज है, रवि तेजा फैंस के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि दोस्तों दादागिरी एक ऐसी फिल्म बनी थी जो कि दोस्तों एक्शन से भरी फिल्म थी, जो कि दोस्तों फाइनल रूप से अब हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है। फिल्म को आप हिंदी में देख सकते हैं बिल्कुल। और दोस्तों इसी तरह लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट ऑफिशियल न्यूज रवि तेजा के लिए चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को। और दोस्तों आप देख सकते हैं भाई को सीधा इजाजत, भाई मिलेगा नेक्स्ट में।